हेलो नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको बहुत ही दिल से वेलकम करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नेचुरल ब्यूटी। फ्रेंड्स, मैं आपसे शेयर किया था कुछ दिन पहले कैसे पुराने मोगरे के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये वीडियो उसका अपडेट ही मान लीजिए, 7 दिन बाद कैसे इसमें बर्ड से भर चुका है उसी का वीडियो मैं आज आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे आप पुराने ही मोगरे में ही मैक्स टू मैक्स फ्लावरिंग ले सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कटिंग करना है, उसके बाद मिट्टी थोड़ा सा चेंज करना है। अगर पूरा ही आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते, नहीं तो ऊपर का 2 इंच का मिट्टी जो है उसको वापस से उठा के उसी में से आपको मिट्टी बना के डालना है। तो आज का वीडियो आप पूरा देखते रहिए। कैसे मैंने उस दिन भी बताई थी कि देखिए कैसे मैंने यहाँ से कटिंग किया था, ये ब्रांच जो है जहाँ से मैंने कटिंग किया उसके ही बगल से 2 नए नए जो ब्रांचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। एक इस साइड से हुआ है, एक वो उस साइड से हुआ है, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से आप देख पा रहे हैं एग्जैक्टली यहीं से। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा ऊपर से मैंने कटिंग किया था और नीचे से इसके जो मैंने उस टाइम भी बोली थी यहाँ से कट कर रही हूँ और नीचे से बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। इसमें बर्ड्स देखिए आप कितने खूबसूरत और कितने सारे ऐसे ही ग्रुप में इसके बर्ड्स आते हैं। ये दूसरे वाले जो कटिंग था मेरा इसी पर भी बर्ड्स जो हैं ये स्टार्ट हो गया है। ये और एक है, ये नीचे से मैं इसको ऊपर से कट किया था लेकिन इसमें 3 ब्रांचेस हैं, 1-2 ऊपर से हैं, 1 ब्रांचेस नीचे से हैं। इसमें भी पूरा बर्ड से भर चुका है। ऐसे ही ग्रुप में बर्ड्स आते हैं 5-6 या फिर 3, देखिए इधर है 5 एक साथ। तो 7 दिन में ही ये रिग्रोथ होना स्टार्ट, रिग्रोथ के साथ बर्ड्स भी आना स्टार्ट हो गया है। ये दूसरा वाला है, इसमें ही मैंने आपको कंपेयर करके बताई थी उस दिन कि अगर पतला ब्रांचेस हो थोड़ा आप नीचे से कट कीजिए। इसी पे ही मैंने आपको उस दिन भी बताई थी 2 ब्रांच जो लेकर के मैंने कंपेयर किया था। अगर आप मेरे पुराने वाले वीडियो जैस्मिन के ऊपर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, उसमें पुराने जैस्मिन के ऊपर कैसे आप मैक्स टू मैक्स फ्लावरिंग आपके पौधे में आएंगे उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी मैंने दिया है। अगर आप मिस कर गए नहीं देखे या फिर मेरे चैनल में आप नहीं हो नए हो तो प्लीज़ आप मेरा वो वीडियो जो है वो बिल्कुल देखिए, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा उससे। ये पूरा जो पौधा है पूरे बर्ड से भरे हुए हैं। साइड में आप 2 फ्लावर देख चुके हैं, ऐसे फ्लावर कुछ और भी खिले हैं लेकिन जैस्मिन के फ्लावर जो हैं ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। बहुत अच्छी महक है, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। रात को ये खिलते हैं, सुबह रहते हैं, फिर रात या फिर दूसरे दिन ही ये गिर जाते हैं। देखिए जो पॉट मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाई थी, 5-6 इंच का छोटा सा एक बाल्टी है, कभी किसी टाइम शायद इसको यूज़ करने के लिए लिया होगा घर में, उसके बाद इतने छोटे पता नहीं कौन से काम के लिए इस छोटे बाल्टी को ख़रीदा था घर में। ये देखिए बीचों बीच देखिए 3 फ्लावर जो है ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और ये साइड में 2 है, तो 5 के ग्रुप में ये इसमें बर्ड्स आए थे। बहुत ही खूबसूरत है, सब जब एक साथ खिल जाते हैं तो और भी खूबसूरत लगते हैं, बट ये रिग्रोथ होने के बाद नए नए खिलना चालू हुआ है तो सब एक साथ खिलना बाकी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, जब भी ये ब्रांच में अभी मैंने आपको दिखाया जो फ्लावर हो चुका है तो ये जो जब ख़त्म हो जाएगा 5, मानिए सामने जो है 3 या फिर 4 या फिर 5 के ब्रांच में जितने भी फ्लावर हैं ये जब फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगा वो ब्रांच आप नीचे से वापस से कट कर दीजिएगा तो उसमें अगेन रिग्रोथ होगा, अगेन उसमें बर्ड्स आएंगे, अगेन खिलेंगे। यही तो मोगरे जैस्मिन में यही तो स्पेशलिटी है कि ये ख़त्म ही नहीं होगा, पूरे गर्मी बरसात पूरा टाइम साल भर का ये पूरा आपको फ्लावरिंग जो है कंटिन्यूस ये करते रहेंगे। तो बहुत देखिए कैसे छोटे से मेरे पौधा है उसमें बर्ड से पूरा भर चुका है, बहुत बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ी सी देख रेख करनी पड़ती है, मैंने उस दिन भी बताई, ज़्यादा कुछ हाथी घोड़ा पालने के टाइप पर नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ी सी केयर करनी है और बदले में आपको इतने खूबसूरत ये फ्लावरिंग जो है आपको देते हैं। तो बहुत खूबसूरत है, गर्मी के लिए बेस्ट पौधे में से एक है, बिल्कुल परफेक्ट है गर्मी के लिए। तो अगर आपके पास पहले से ही हैं तो अभी भी आप कटिंग नहीं किए तो कटिंग कर लीजिए, क्योंकि पुराने ब्रांच में जैस्मिन के फ्लावर नहीं आते, नए ब्रांच में ही आते हैं, तो ध्यान से आप उसको कटिंग कर लीजिए।
अगर आप नए नए लगाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि आपको लगाना कैसे है, या फिर रिग्रोथ कैसे करनी है, सॉरी रिपोर्ट कैसे करनी है, वो भी मैं दिखाऊँगी। तो आज का जो वीडियो है आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा इसके अपडेट देख के। पसंद के साथ साथ ये उम्मीद भी रखती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है कि कैसे थोड़ी सी कटिंग और मिट्टी चेंज करने से ही रिज़ल्ट इसका इतना अच्छा है। तो जैस्मिन को केयर करना, ग्रो करना बहुत ही इजी है। आप प्लीज़ इसको अपने गार्डन में जगह दीजिए, अगर पहले से हैं तो प्लीज़ उसको कट कर दीजिए, क्योंकि पुराने जैस्मिन के ब्रांचेस में कभी भी फ्लावरिंग नहीं होगा। तो ऐसे ही छोटी छोटी बात जो है अपना ध्यान रखिए उस चीज़ का, और बदले में कितने ब्यूटीफुल ये आपको फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो बस आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और इस आशा के साथ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। अगर मुझसे कोई भूल चूक है तो प्लीज़ वो भी लिख के बताइए। साथ में आपको और कुछ पौधे के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ वो भी लिख के बताइए। आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करती हूँ। टेक केयर एंड बाय बाय।